मनुष्य को किस उम्र तक अपने पापों की सजा नहीं मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी वाला में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी भी अपने जीवन काल में एक छोटी सी गलती ना की हो, मगर क्या आपको पता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी गलतियां या पापों की सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस समय में हम यदि कोई गलती करते हैं, पाप करते हैं जाने अनजाने में, तो हमें उसकी सज़ा नहीं मिलती है। तो चलिए जानते हैं हमारे जीवन में ऐसा कौन सा समय आता है जो उस समय किए हुए पाप या गलती की सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर एक मांडव नाम के ऋषि हुआ करते थे। वह बहुत ही बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे और वे लोग ऋषि से शरण मांगने लगे। वे लोग चोर थे जो किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तो वे चोर महर्षि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उनसे विनती करने लग गए। महर्षि को मालूम नहीं था यह सभी चोर है। महर्षि ने उनकी विनती सुनकर उन्हें रुकने के लिए जगह दे दी। उसके बाद उस राज्य के सैनिक भी उन ऋषि के आश्रम तक आ पहुँचे और महर्षि के आश्रम को तलाशने लगे, लेकिन सभी चोर अपना लूटे हुए धन को उसी आश्रम में छुपाकर भाग चुके थे। और जब सैनिक को वह लूटा हुआ धन ऋषि के आश्रम से मिला तो ऋषि को चोर का साथी मानकर राजा के दरबार में ले गए। तब सैनिकों ने राजा को सारी बातें बताई, पूरी घटना बताई। उसके बाद राजा ने महर्षि को चोर समझकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुना दी। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, मगर उन्हें दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। यह सब देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर नहीं है और ना ही कोई आम ऋषि है। तब उनसे राजा क्षमा मांगने लगा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब महर्षि ने कहा, हे राजा, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना कहते ही वह महर्षि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, हमने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, हमने सदा ही परमात्मा की भक्ति धर्म आचरण करते हुए जीवन व्यतीत किया, फिर भी हमें जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव को कहा, हे महर्षि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके आँखों में सुई चुबो दिया करते थे, यह उसी पाप का परिणाम था। यह सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा, ये धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञान होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। तब महर्षि मांडव ने धर्मराज को श्राप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे और जब तुम विद्वान होंगे तो तुम्हारी नीति कोई नहीं मानेगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज ने द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिया था। तो दोस्तों, यही वजह है कि भगवान भी बाल्यपन में जाने अनजाने में की हुई गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से अब हमें यह तो समझ में आ गया कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक इंसान को किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि वह अबोध होने के कारण उसके सारे कर्म माफ़ हो जाते हैं और फिर जब धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान का प्रभाव होने लगता है तो फिर से वह धर्म अधर्म कर्मों से परिचित होने लगता है। तो दोस्तों, आशा है
वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।